सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं बेल आइकॉन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री श्यावर राम जंग की जय। श्री राम कथा मानव के समस्त संशयों को निर्मूल बनाते हैं। जिसके भी जीवन में संदेह हुआ श्री राम कथा ने ही समाधान किया, चाहे वह गरुड़ जी रहे हों और चाहे माँ पार्वती रही हों और चाहे भरद्वाज नाम के ऋषि रहे हों। राम कथा के चार घाट हैं। राम कथा रामचरितमानस एक सरोवर है और इस सरोवर में घुसने के चार रास्ते हैं, चार घाट हैं, यानी चार संवाद हैं श्री राम कथा में। चार प्रधान वक्ता हुए और चार प्रधान श्रोता। सबसे पहले वक्ता हैं भगवान भोलेनाथ। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने सबसे पहले श्री राम कथा का अपने मन में अपने हृदय में उसको संजो करके रखे। माता पार्वती को उन्होंने कथा सुनाई। दूसरा संवाद श्री गरुड़ जी महाराज को संदेह होगा। आप सब कथा जानते हो क्योंकि तारतम्य बनाने के लिए स्मरण करना आवश्यक है। इंद्र जी श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। हनुमान जी महाराज ने गरुड़ जी को बुला करके भगवान को नागपाश से मुक्त कराया। अब जरा विचार करिए, जिनका नाम स्मरण करते ही भव रोग छूट जाता है वो बंधन में पड़ जाए। अरे नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। नाम स्मरण करते ही भव बंधन खुल जाता है जिनका, वो प्रभु बंधन में आए। ये भगवान की लीला थी। भगवान को बंधन देख करके गरुड़ जी महाराज को संदेह हो गया, ये कैसे भगवान इनको नाग में बांध लिया। गरुड़ जी को सांप ने काट लिया। सांप को तो गरुड़ जी ने काट लिया पर सांप ने गरुड़ जी को भी काट लिया। कौन सा सांप? संशय सर्प से उर्गादा। संशय रूपी सांप ने गरुड़ जी को काट लिया। गरुड़ जी के मन में संदेह हो गया। उस संदेह का समाधान करने के लिए श्री गरुड़ जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की माया को सिर झुकाया, इसने तो हमको बहुत बार नचाया। गरुड़ जी भी इसी के चक्कर में फंस गए। बोले भाई ये हमारे बस का रोग नहीं है, ये शंकर जी से मिलो, इसके लिए आओ। भगवान शिव के पास गए श्री गरुड़ जी। शंकर जी उस समय कुबेर जी से मिलने जा रहे थे। मार्ग में गरुड़ जी से मुलाकात हो गई। गरुड़ जी ने अपनी बात कही, भगवान शंकर ने कह दिया, गरुड़ मिलो मार्ग महमोही, कवन भांति समझाऊ तो ही। ये संशय कब जाएगा? जब बहु काल करिए सत्संगा। काफी दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। अब बताओ गरुड़ जी जैसे भगवान के अनन्य पार्षद को बहुत काल सत्संग करना पड़ेगा तब संदेह जाएगा। हम लोग घंटे दो घंटे की सत्संग में चाहते हैं सब हमारी समस्या का समाधान हो जाए। आप विचार करो, सत्संग निरंतर करना पड़ेगा। भगवान शंकर तो कहते हैं प्रभु हमको नित्य सत्संग देना। बार बार बरमागम हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज जन पायनी भक्ति सदा सत्संग।
सत्संग सुधा का निरंतर सेवन करना पड़ेगा, तब ये लाभ मिलेगा। बोले भाई कहाँ जाए हम? भगवान शंकर ने कहा श्री काल भुसुंडी जी के पास जाओ। खग जाने खग ही के भाषा, वहां कथा हो रही है, सुन लो जाके कथा। श्री काल भुसुंडी जी महाराज के पास गरुण जी गए, वहां कथा शुरू ही होने वाली थी, ये पहुंच गए, इनका स्वागत किया और फिर कथा सुनाए, संदेह दूर हुआ। और तीसरा संवाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज स्वयं कथा कह रहे हैं और संत समाज कथा सुन रहा है। तीसरा घाट ये, और चौथा घाट जहां से हम लोग आए हैं वहां पहुंचते हैं। कथा की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं से की है। वंदना करने के बाद, वंदना का प्रकरण बहुत लंबा है मानस का, और हम लोगों का समय बहुत कम है। श्री राम कथा त्रिदिवसीय राम कथा है ना, तो तीन दिन में सब कुछ कहना है थोड़ा थोड़ा, इसलिए वंदना प्रकरण को हम प्रणाम करते हुए कथा के शुभारंभ में पहुंचते हैं, जहां से कथा प्रारंभ हो रही है। श्री तीर्थराज प्रयाग, बोलिए तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। भरत मुनि बसहि प्रयाग, आम सब कोई श्री राम कथा गेय है। राम कथा पर पहली कलम चलाने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं। कवीश्वर कवीश्वरो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कवियों के ईश्वर, कवि सम्राट महर्षि वाल्मीकि हैं। श्री राम कथा पर प्रथम कलम महर्षि वाल्मीकि ने ही चलाई, इसीलिए उनको कहा गया है आदि कवि। सबसे पहले आदि कवि है वाल्मीकि, ने वाल्मीकि रामायण की रचना किया और उसका गायन लौकुश ने श्री राम जी के दरबार में किया। आप सब जानते हो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की प्रेरणा से रामचरित मानस लिखे, हनुमान जी की प्रेरणा से। बात यह है ना कि महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी है। प्रमाण कलि कुटिल जीवा निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो
भक्तमाल नाम का एक दिन में ग्रंथ है, तो स्वामी नवादास जी ने लिखा। नवादास जी कहते हैं कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में आए। कलयुग तिल जीवन सितार हित वाल्मीक तुलसी भयो। एक कारण भी था, ध्यान रहे, जैसे आज चलने से कल भाई भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भी है बेटो, कथन बार बार जिक्र मत करो। महर्षि वाल्मीकि जी वो स्वामी तुलसीदास जी बने। हाँ, श्रोता तो श्रोता होते हैं। एक जगह कथा हो गई थी, पंडित जी भी गजब थे, बोले एक राम जी थे। श्रोता ने कहा हाँ महाराज। बोले एक रावण था, बोले हाँ महाराज। बोले राम जी जंगल गए, बोले हाँ महाराज। बोले जंगल में रावण ने राम जी को मार डाला, बोले वाह महाराज। ऐसी कथा तो नहीं बार तू तो भैया कथा जरा सावधानी से सुनना। कथा कभी भी असावधान होकर नहीं सुनना चाहिए। जो भी वक्ता हुआ है कथा का, वो पहला निर्देश यही दिया है, सावधान सुन सुमुख सुलोचन भरत कथा भगवान। अरे भाई, भगवान शंकर जैसे वक्ता जो ध्यान और ज्ञान के स्वरूप है, शंकर जी से बड़ा ज्ञानी और ज्ञानी कौन होगा। लाल समाज अखंड अपार,
इतनी बड़ी बड़ी समाज 87,000 एक बार में बैठ सकते। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं बेल आइकॉन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।